मलेरिया की पैदाइश कहां हुई है? ये सवाल हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन रोग पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बाहर से आने वाले मजदूरों को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि मुंबई में मलेरिया बाहर से आने वाले मजदूरों की लाई हुई बीमारी है। इमारत की बांधत असताना जे मजूर येत आहेत ते कोण आहेत, काय आहेत, काही कल्पना नाही आम्हाला, कसली कल्पना असते। आता या सगळ्या साथीच्या रोगाने सगळी मुंबईमध्ये आज सगळं झालंय, याच्या अगोदर तो कुठचा स्वाईन फ्लू येऊन गेला। ही परिस्थिती कशामुळे येते, कशामुळे आली, या ज्या सगळ्या आजूबाजूला ज्या अनधिकृत गलिच्छ वस्त्या निर्माण होतात यातही सगळी रोगराई पसरते आणि भोगावी तुम्हाला आम्हाला लागतंय। राज ठाकरे का मानना है कि ऐसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सख्त प्रशासन और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए नरेंद्र मोदी की मिसाल भी रखी। गुजरात में बघा हिम्मत है का कोणाची? यास नरेंद्र मोदी ने काय कसं ठेवले बघा हातामध्ये सगळ्या गोष्टी, आजूबाजू लफडीत आहे तिकडे, भाषेवरती घट्ट आहेत। आता दिसतात का कधी नरेंद्र मोदी कधी हिंदुत्वाचा हित तरी काढतात दिसतात का? मराठी बद्दल प्रेम, मराठी बद्दल स्वाभिमान, हे सगळ्या या गोष्टी बोलल्यावरती हा संकुचित राज ठाकरे। मराठी अस्मितेवरती बोललो की बाबा तुम्ही संकुचित, आणि तिकडे गुजरातमध्ये कोणती फक्त घोषणा आहे, एकच घोषणा, गुजरात अस्मिता। कर्नाटकात कर्नाटकी अस्मिता, इतर राज्यांमध्ये त्यांच्या अस्मिता, इथे फक्त तुम्ही अस्मिता कुठची बोलायची नाही, कुठच्याही गोष्टी इथे वानगडी काढायची नाहीत। राज ठाकरे ने मुंबई में फैली मलेरिया के लिए परप्रांतियों को जिम्मेदार बताया है। उनके इस बयान की खबर मिलते ही सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। लगभग सभी दलों ने राज के बयान की निंदा की, लेकिन शिवसेना और एनसीपी का रुख राज ठाकरे को लेकर नरम दिखा। आज सर्वच्या सर्व हॉस्पिटल भरलेली आहेत, जागा नाहीत लोकांना, बाहेरच्या राज्यांमधनं लोक येतात आणि आपली हॉस्पिटल्स, आपली इथली महाराष्ट्रातली हॉस्पिटल्स ही सगळी भरून जात आहेत। आपल्या इथे राहणाऱ्या वर्षानुवर्ष राहणाऱ्या इथे मराठी माणसाला तिथे हॉस्पिटलमध्ये जागा मिळत नाही। मलेरिया आणि डेंग्यूच्या साथी येतात कशामुळे? गलिच्छपणामुळे। गलिच्छपणा कशामुळे होतोय? झोपडपट्ट्यांमुळे। झोपडपट्ट्या कुठून येत आहेत? बाहेरून येत आहेत। हा सगळा सत्यानाश जो झालाय हा फक्त येणाऱ्या बाहेरून येणाऱ्या लोंढ्यांचा आहे। मैं समजता हूं राज ठाकरे पगला गया है। राज ठाकरे ये मच्छर पहचान के नहीं काटता है। मच्छर यदि पहचानता तो सबसे ज्यादा काटता राज ठाकरे, उसको समझना आना चाहिए। बॉम्बे उसके बाप का नहीं है। मुंबई के मच्छर पुराण की पूर्णाहुति है। राज ठाकरे ने मलेरिया के बहाने इस सियासी मच्छर पुराण की शुरुआत की थी, लेकिन तब उन्हें एहसास नहीं हुआ होगा कि उनकी भिनभिनाहट किसी को इस कदर नागवार गुजर सकती है। उसको याद आना चाहिए बॉम्बे उसका बाप का नहीं, बॉम्बे पूर्वांचल के बाप का है, बंचे उसका राज ठाकरे बाल ठाकरे के बाप का नहीं है। रिश्ते नातों की शास्त्रीय व्याख्या के कई आयाम हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन पचड़ों में नहीं पड़ते। राज ठाकरे बार बार ऐसे बयान देते हैं सरकार आपकी है, आप क्या करें, जरा थोड़ा सा जरा ज्यादा ही जो है हमारे भारत में जो है डेमोक्रेसी का ज्यादा ही फायदा उठाया जाता है, क्या करें। संविधान निर्माताओं को भुजबल जी के इस लोकतांत्रिक नजरिए का एहसास नहीं रहा होगा, वरना पिछले दिनों राज ठाकरे के चेले चमचों ने जो कुछ किया उसको लेकर कोई हाय तौबा नहीं मचाता। जो लोग बीमारी में भी सियासत दिखती हो, ऐसी बीमार सियासत उनको नहीं करनी चाहिए। ऐसी वाहियात बात करने के सिवाय मैं ये उम्मीद करूंगा कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और खासकर शिवसेना अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। जाहिर है सियासी दंश से हर कोई राष्ट्र की सेहत को बचाना चाहता है, लेकिन शिवसेना इसे शहद की चाशनी बनाकर पेश कर रही है। मुंबई की क्षमता जो है, मुंबई बीएमसी की क्षमता जो है, तो 50 लाख लोगों को सुविधा दी, फिर वो सुविधा हेल्थ की हो, शिक्षा की हो, या अभी और भी सुविधा हो, लेकिन अगर मुंबई जैसे शहर में 3 करोड़ लोगों का बोझ पड़ता है तो कहाँ से सुविधा लाए। महाराष्ट्र और मुंबई की सेहत का ख्याल सबको है राउत साहब,
लेकिन मुंबई में नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं वो मलेरिया के प्रकोप से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इससे विडम्बना ही कहेंगे कि देश के तमाम जगहों पर उनके खिलाफ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये सब कुछ जायज है, इसीलिए लोग उनके खिलाफ बयानबाजी तो करते हैं, पर अभी तक उनके खिलाफ कोई कड़ा फैसला नहीं लिया जा सका।